आप अकेले निकलते हैं, अकेला हाँ, लिए हाँ, आप बराबर हाँ, मांग बेटा रहे हैं। बेटा वो तो बेटा सही है, है? हाँ बेटा। क्या नाम है आपका? जहीर, जहीर मोहम्मद जहीर। कहाँ पे है मदरसा ये बताइए मीरपुर जरा। छावनी तरवा के पास। और कितने बच्चे हैं? अब ये तो मदरसे वाले जो है ही समझ पा, हम तो उनकी नौकरी कर रहे हैं बस। ये कोई बात थोड़ी ना, कोई हाँ कह देगा अगर हम तुम्हें नौकरी पे रख ले चोरी करने चलो तो नहीं नहीं चोरी करने चले चोरी जाओगे। नहीं 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 हाँ तो फिर ये क्या है, आप बताइए ना कितने बच्चे हैं, ये पूरी वीडियो बना रहे हैं हम, बताइए हाँ बना लीजिए बेटा, उससे क्या बताइए ना, जाएगा। इधर बताइए हमको, हाँ देखिए कितने बच्चे हैं आप। अब वो 40-45 बच्चे बेटा, हैं अब वो जहीरुद्दीन पढ़ाते हैं वो तो वही समझ सकेंगे बेटा, आप उनसे बात कर। घुमा क्यों रहे हो बात, हेलो, बताइए ना नहीं तो कितने बच्चे हैं। अब वो जो हमको नौकरी रखे हैं 40-45 बच्चे हैं, अब वो जाने उनका काम जाए। नहीं है कि नहीं है, 40-45 बच्चे अब हैं। हाँ अभी तो नहीं है, अभी इस वक्त तो और तो घर चले गए हैं। कितने हैं अभी इस वक्त? अभी इस वक्त बहुत होंगे तो 15-20 बच्चे होंगे, बहुत होंगे। बना लीजिए बेटा, उसमें हमें कोई इतराज नहीं है, वीडियो बनाइए तो जी। दहीरुद्दीन का नंबर दीजिए, कैसे बात हाँ हाँ करेंगे। दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे देता हूँ। तो रसीद आपकी खुली नहीं है मैं लग रहा है, कौन जमाने से नहीं रसीद खुली है ये। ये देखिए भाई रसीद है ये चाचा हमारे बराबर आते हैं मदरसे का चंदा लेने, हर हफ्ते पूरा सिस्टम देखिए लगा है। अब देखिए इनको जहीरुद्दीन भाई का नंबर नहीं मिल रहा है। कहाँ है कागज मदरसे के जो आप चंदा मांग रहे हो ये गया तो खाली पूरा। रसीद है ना, ये तो आप कई साल से नहीं खुली है। ये कोई बात नहीं हुई आपकी, मदरसे का चंदा आप कर रहे हो, आप दौड़ाते रहते हो ठेला पूरे शहर में। रसीद चंदा कर रहे हैं कई महीनों से, हम बराबर देख रहे हैं रसीद, देखिए कई साल से खुली नहीं रसीद। हिसाब कैसे देते होंगे आप जब नौकरी कर रहे हैं तो? अरे भाई अब जो कोई 2 रुपया दो, कोई 10 दिया, कोई 5 दिया। हेलो फगरू भाई, हाँ फगरू भाई, ओ इनका जो है जहीरुद्दीन का नंबर, यार मैं तो कुल खत्म हो गए हैं, जहीरुद्दीन का नंबर मांग रहे हैं। हेलो, अरे रसीद तो जहीरुद्दीन का नंबर कह रहे हैं कि मदरसा कहाँ है। हेलो तो बताएं, तो नंबर बता दो तो उनके वाला जहीरुद्दीन का मदरसे का चंदा बताएं। मेरा सीट कई साल तो खुली नहीं है। नहीं नंबर नंबर बता दो, नंबर मांग रहे हैं ना। हेलो हाँ नंबर, आप नंबर लो मेरी बात कराओ। हेलो ये कौन है जिनसे ले रहे हो? ये जिनका बाजा है। तो बाजे वाले से क्या लेना देना? नहीं तो मदरसे से कांटेक्ट है। अच्छा उनका भी कांटेक्ट है। हाँ हेलो 97। रुक जाओ नंबर। जिनको ठेले पे भेजा ठेले वाले, ये कौन है? रिक्शे पे अलग भेजा चंदा लेने, ठेले पे अलग भेजा? बात बताइए, सब वीडियो बन रही सही से, क्या बात है? अरे भैया हम लोगों से मांग कर रहे हैं कि मत जाओ, तो मतलब पोजीशन नहीं ठीक है, लेकिन मांगते नहीं, मैं क्या। आपने मना किया कि मत जाओ? मना किया क्या यार? अच्छा और ये तो कह रहे, और ये तो कह रहे हैं कि ये रोज भेजते हैं सुबह हमको, इनके पास रसीद तक के नहीं, कोई कागज भी नहीं है। नहीं नहीं रसीद है तो सोच लो कैसे बताओ भैया। तो ये पैसे आपके पास जा रहे हैं कि नहीं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलीम। हमें तनवीर को भेजा भैया। तनवीर को भेजा? क्या झूठ क्यों बोल रहे हो भाई, ले बात करो। हेलो हेलो मने हम मैं रोज जो ना है मने रोज आई थे तो कैसे कैसे कहा तो कि ना आओ तो। हेलो हम जबकि हम फकरू से जब जबकि हम कह रहे हैं कि
ठीक है, हम नहीं अब कभी बोलेंगे। नहीं नहीं, पहले पूरी बात करो। कई बच्चे हैं मदरसे में ये तो बताओ। हाँ पूछ, मदरसे में कितने बच्चे? मदरसे में कितने बच्चे हैं आपके? मदरसे में कितने बच्चे हैं ये बताइए। हाँ 70 अस्सी बच्चे हैं भैया। गिनती में नहीं है क्या? 70 है कि 80 है? 80 है, कभी 10 है कभी बढ़ते हैं। अभी कितने हैं? अभी अभी बताइए कितने हैं, चेकिंग होगी। अब एक समझ आ गया है भैया, देखो कितने बच्चे हैं, ये कितने बच्चे हैं। तुम लोग यार बदनाम कराने वाला काम करते हो मदरसे में, ऐसे ही गाज गिरी हुई और तुम लोग बदनामी करा रहे हो। मुकामी है तो वो फीस नहीं देते? तो फीस आप नहीं ले सकते? 50 रुपए बच्चा नहीं देंगे क्या? वो आप तो ये कलेक्शन तो इतना रुपया करवा रहे हो आप। अरे भैया नहीं देंगे, बाहर जाएंगे पढ़ेंगे भी नहीं। नहीं तो आप कितना खर्चा आ रहा है जो आप रोज भेज रहे हो चंदा करने, ये बताइए। आप 2000-3000 रुपए हाफिज जी को दे रहे होगे, कितना खर्चा आ रहा है जो आप रोज मांगने चंदा भेज रहे हो? अरे हम 150-200 रुपया देते हैं भैया, लेकिन रोज जाते भी नहीं है। ये 150-200 रुपए रोज देते हैं, वो भी जाते भी नहीं है। सुनिए हाँ, उनका फकरू भाई अच्छा बात करा रहे हैं। नहीं तो आप क्यों ये सब कर रहे हो? जो भी लिखा पढ़ी होगी तो वो तो आप ही के नाम होगी ना, चंदा तो आप करा रहे हो। तो मुँह से मना करने से क्या, ये तो आदमी आप कटाइल्ला ना यहाँ बाजार में। फकरू भी इसमें शामिल है क्या? ठीक है, फकरू से ही बात कर रहे हैं। काहे भाग रहे हो, काहे भाग रहे हो? 93-36 अभी तक के तो तुम माँ सूरमा भोपाली बने थे कि जो है हम बहुत बड़े जो है मिनिस्टर है। हाँ तुम बहुत मांग रहे थे अभी। हाँ अब जब वो मना कर रहे हैं, अब कभी हम नहीं आएंगे। नहीं तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं, यही इसी से काम चल रहा है गाड़ी तुम्हारी। अब नहीं आएंगे बस, बस जिंदगी में। पहले यहाँ खड़े हो, आएंगे नहीं। हाँ। तुम्हारी हमारा जो है पूछ लो 250 मिलता है। इधर आओ, इधर इधर फिर भाग रहे हो। 250 रुपए रोज पे मांगते हो? देखो भागा जा रहा है, ये चंदा लेने के लिए बहुत तेज था, अब ये भाग रहा है बहुत तेज है। देखिए ये ऐसे चंदा हो रहा है भाई, थोड़ा सा जब चंदा दीजिए तो पूछ लीजिए कौन कहाँ से ले रहा है, किससे ले रहा है। देखिए इतनी तेज भागा है ठेले वाला। ये है चंदे वालों के हालात, अपना घर चलाने के लिए दीन दुनिया सब एक ही मिला दे रहे हैं। ठीक है भाई।